इसके अलावा लोगों में बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मायने रखती हैं कि लोगों को लगता है हम घड़ी पहन कर गए या कोई ज्वेलरी आइटम पहन के गए तो क्या, क्योंकि उसे आप वॉश नहीं करते, तो क्या उसे सैनिटाइज करें या अभी कोशिश करें कि कुछ भी एक्स्ट्रा आप पहन के ना जाएं जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल से आप टाइम देख ही लेंगे। अगेन अब जैसे आपने घड़ी पहनी हुई है तो डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा सरफेस है जो कि इस पे इन्फेक्शन आने के चांसेस रहेगा। अगर आप अवॉइड करना चाहें तो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि घड़ी कोई ऐसे एसेंशियल आइटम नहीं है कि जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। ज्वेलरी की बात है, जो अंगूठी वगैरह की बात है, तो डेफिनेटली अगर आपने अंगूठी पहना है तो उसके नीचे का एरिया आप जब भी हाथ धोएंगे तो वो नॉर्मली आप उसको ठीक से नहीं धो पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आपने कोई इस तरह की अंगूठी टाइप की कोई चीज पहन रखी है तो जब भी आप हाथ धोए तो अंगूठी के नीचे की जगह को साफ करना ना भूलें। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं इन सब चीजों को पहनना तो डेफिनेटली वर्कप्लेस पे जाने के लिए आपको ज्वेलरी पहनने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो बेसिक आइडिया है कि आप अपना कॉमन सेंस यूज करें। ये काफी मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आप घड़ी ना पहने, अंगूठी ना पहने, तो डेफिनेटली अंगूठी को लेके मुझे लगता है कि जब भी आप हाथ धोते हैं तो इसके नीचे का जगह जो है वो आप ठीक से साफ नहीं कर पाते हैं, तो एक लॉजिक है कि आप इसको ना पहने, या अगर पहने भी हैं तो जब भी आप हाथ साफ करें तो इंश्योर करें कि इसके नीचे साफ। लेकिन घड़ी ना पहनने का मुझे कोई बहुत क्लियर कट रीजन नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप अवॉइड करना चाहें तो कर सकते।